नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें होगी लागू। जी हां दोस्तों, सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं इस बड़ी खबर को। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रहती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। सेवंथ पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत देगी नरेंद्र मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री दे चुके हैं संकेत। बीजेपी के फायर ब्रांड फेस और एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने अपनी नई सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकते हैं। वे लंबे समय से चले आ रहे इन केंद्रीय कर्मचारियों के मसले पर खासा गंभीर हैं। आगामी दिनों वह उनके वेतन में 2 से लगाकर 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाल ही इस बात के संकेत गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बैठक के दौरान दिए थे। वहीं दोस्तों सूत्रों की माने तो सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों का हल निकालने के लिए एक प्लान है। इस प्लान के तहत सरकार ऑक्राइड फॉर्मूले के तहत लंबे वक्त से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को सुलझा सकती है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो बड़ी संख्या में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और साथ में लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी मिनिमम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर सरकार से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अगर ये ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के हित में ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। तो ये थी एक बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।